सो आप शादी के 1 मंथ बिफोर आप अपने फेस पे हल्दी और चंदन का लेप लगा सकते हैं, और उसमें गुलाब जल मिक्स करके आपको हर वीक अप्लाई करना है, तो आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो फिर आलू को छील कर जो उसके बीच का जो पार्ट होता है उससे आपको अपना फेस पे मसाज करना है, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। एंड अगर आपको पिंपल का मार्क है या फिर पिगमेंटेशन है फेस पे, तो आप टमाटर को काट कर उसका जो बीच वाला पार्ट होता है उससे भी अपने फेस पे मसाज कर सकते हैं। अगर आपको आपके फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल होता है या फिर एक्ने होता है, तो आपको डेली नहा कर आना है और मॉर्निंग में हमेशा बर्फ जरूर अप्लाई करना है, ताकि आपका फेस हमेशा टाइट भी रहे और पिंपल वगैरह की प्रॉब्लम कभी ना। इसलिए आपको हल्दी चंदन और गुलाब जल मिक्स करना है और उसको ड्राई होने तक अपने फेस पे रखना है। उसके अलावा आप बर्फ को है जो वो कपड़े में, टॉवल में, किसी भी चीज में लपेट करके और उसमें कम से कम 5 मिनट तक आपको अपने फेस पे मसाज करना है, ठीक है? वो मॉर्निंग का नुस्खा हो गया। अगर आप कुछ भी आलू वगैरह अप्लाई करते हैं फेस पे, तो वो 2 से 3 मिनट आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। आलू को कैसे अप्लाई करना? आलू को कट करके उसका जो बीच वाला पार्ट होता है उसमें बहुत सारी विटामिंस होती हैं जो कि हमारे फेस के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती हैं, तो आपको उसको कट करके बीच का जो पार्ट होता है उससे अपने फेस पे मसाज करना है, और जहां पे भी आपके मार्क्स हैं वहां पे ज्यादा अप्लाई करना है। ठंड के दिनों में क्या कुछ समस्या देखने को मिलता है चेहरे पर, उससे क्या कुछ नुस्खे आजमा कर उसको ठीक किया जा सकता है? हाँ जी, जैसे ठंड में हमारे बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है स्किन, तो हमेशा रात को एलोवेरा जेल अप्लाई करके जरूर सोना है। उससे क्या होता है, हमारे फेस पे जो भी ड्राइनेस है वो खत्म होती है और हमारा फेस बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज रहता है।